हेलो शार्क्स, आई एम हमा त्रंबू और मैं 18 साल का हूँ। आई एम साद, मैं 20 साल का हूँ। हम दोनों श्रीनगर से हैं। हम हैं फाउंडर्स त्रंबू स्पोर्ट्स के। हम बेचते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के कश्मीर विलो बैग्स। इनकी लकड़ी पूरे इंडिया में कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं मिलती, और अकॉर्डिंग टू द कश्मीर विलो एक्ट, कश्मीर विलो का रॉ मटेरियल कश्मीर से बाहर नहीं जा सकता। हम लेदर बॉल और टेनिस बॉल से खेलने वाले दोनों बैट्स बनाते हैं। हमने 2021 में स्टार्ट किया था और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रिसेंटली लॉन्च वेबसाइट के थ्रू अभी तक 20,000 से भी ज्यादा बैट्स बेच चुके हैं। हमने अब अपने एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा विजन ये है कि हर कोई कश्मीर विलो बैट और स्पेसिफिकली त्रंबू स्पोर्ट्स के बैट से खेले और लोगों का एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाए कि इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो बैट्स में कुछ फर्क है। इसी के लिए हमारी आस्क है 30 लाख और 3% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप हमारे साथ मैदान में उतर कर छक्का मारना चाहते हैं? साद हमाद, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। श्रीनगर में आपने अपना बिजनेस 2 साल पुराना स्टार्ट किया हुआ है। Yes. तो इसके बारे में बताइए, आप क्या पढ़ाई करते हैं क्या, और आपने कैसे इतनी यंग एज 16-17 साल की उम्र पे स्टार्ट किया? I am currently doing BBA. अच्छा। और साथ मैं सेकेंड ईयर BBA स्टूडेंट हूँ। कहाँ? श्रीनगर में। मैं बैंगलोर में पढ़ रहा हूँ और ये कश्मीर में पढ़ रहा है। मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने इंग्लिश लो बैट्स भी यूज किए, कश्मीर लो बैट्स भी यूज किए। मेरे को ये समझ आ गया कि इंग्लिश लो का प्राइस पॉइंट बहुत हाई होता है और सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, बट वी हैव गॉट अ फैमिली बिजनेस व्हिच डील्स विद ज्वेलरी मिल्स, दैट विद वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी मिल्स है हमारे। ग्रैंडफादर, फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस, यस। तो क्या करते हैं आप एग्जैक्टली? वुडन बार्क, जो विलो या जो भी टाइप का वुड होता है, आप लेकर उससे फैब्रिकेट करते हैं वुडन टाइल्स? सबसे पहले तो हम कश्मीर विलो का एक लॉग सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसके ग्रेन्स को चेक करके उसकी ग्रेडिंग करते हैं। उसके बाद वो लॉग कटने जाता है, फिर उसके क्लेफ्ट बनते हैं। उसके बाद वो हमारी सीजनिंग फैसिलिटी में आता है। नॉर्मली सीजनिंग ट्रेडिशनल मेथड से जब करते हैं, इसमें 1 साल से लेके 18 मंथ्स का टाइम लगता है। हम इस सीजनिंग प्रोसेस को विद इन अ वीक कंप्लीट कर पाते हैं और जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से कई ज्यादा बेहतर है। ये बताइए कि सीजनिंग में आपका प्रोसेस क्यों इतना सुपीरियर है, जो कि 1.5 साल की जगह आप 1 हफ्ते में कर पा रहे हैं? जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ओपन एयर में स्टैक करते हैं क्लेफ्ट्स को, तो वो इट टेक्स अबाउट 18 मंथ्स टू गेट ड्राई एनफ। और आपके प्रोसेस में आप क्या करते हैं? हमारे पास स्टीम बेस्ड सीजनिंग प्लांट्स है। वो स्टीम बेस्ड सीजनिंग प्लांट्स में 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है सीजनिंग। सीजनिंग कंप्लीट होने के बाद बैट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे आते हैं, जहाँ पे हार्ड प्रेस होते हैं। हार्ड प्रेस की वजह से बैट की स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बैट ड्यूरेबल हो जाते हैं। इस स्टेप के बाद बैट्स में सिंगापुर केन हैंडल लगता है। सिंगापुर केन हैंडल शॉक अब्जॉर्ब करता है, तो इसकी वजह से हमारे बैट की क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर कश्मीर विलो बैट्स तो और लोग भी बनाते हैं। कश्मीर में अराउंड देयर 300 बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। किसी के पास सीजनिंग प्लांट नहीं है, जिससे बैट लाइट वेट हो जाता है। ये हमारा सीजनिंग प्लांट है और ये आपके ग्रैंडफादर का है। ये ग्रैंडफादर का है। ओवन होता है, ओवन टाइप का। इट्स अराउंड 40-50 डिग्रीज हम सेट करते हैं टेंपरेचर। तो इसमें तो कोई आईपी नहीं रही, कोई भी कर सकता है। मोर देन 20 करोड़ का कैपिटल कॉस्ट है इसमें डालने का, खाली ये ओवन बनाने के लिए। यस, लैंड एवरीथिंग। ये लैंड को एक बार भूल जाइए, या तो पहाड़े पे ले लिया ना लैंड। 8-9 crores. Eventually, जब आप scale करेंगे business, तो आपको अपने ovens बनाने पड़ेंगे ना? Yes, we can increase that. आप अगर अपने demand side करें, बताएं कौन आपके customer हैं, वो क्यों आपका सामान खरीद रहे हैं, हमें उससे बेहतर information मिलेगी। Right now, around 60-70% हमारी sales आती है जो professional players नहीं खेलते, जो घर पे खेलते हैं, streets में खेलते हैं, गलीज में खेलते हैं for time pass के लिए। हाँ, तो for them we have tennis ball bats. क्या प्राइस लगता है टेनिस बैट का? 1800 से स्टार्ट होता है। सीजन बैट कितने पे स्टार्ट होता है? 3000। एंट्री लेवल इंग्लिश विलो कितने पे स्टार्ट होता है? वो अराउंड 6-7000 से स्टार्ट होता क्या है। क्या बात है। मगर बहुत लो क्वालिटी वाला ग्रेड 4 इंग्लिश विलो। जो ग्रेड 1 इंग्लिश विलो है वो 40-50 हज़ार रुपए में मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि इस क्वालिटी का बैट इस प्राइस में पूरे इंडिया में खाली आप ही बना सकते हैं? खाली हम, और कोई कंपटीशन नहीं है। बट ये मेरठ में एसजी वगैरह हैं, ये लोग जो वो बनाते इंग्लिश विलो, इंग्लिश विलो की भी जो लकड़ी है वो इंडिया में वो भी नहीं बन सकती। नहीं, वो इंग्लैंड की है, बाहर इंपोर्ट होता है। जैसे एग्जांपल दीजिए कोई क्रिकेटर का जो कश्मीर विलो, जैसे जुनैद सिद्दीकी टी20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, लॉन्ग मोर प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन दिस। तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, अडॉप्शन इंक्रीज हो रही है। तो अभी आप कितने बैट्स बेच रहे हैं हर मंथ, और ऑनलाइन बेच रहे हैं? ऑनलाइन राइट नाउ अराउंड 1000 बैट्स पर मंथ।
1000 बैट्स पर कहां से बेच रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अ वेबसाइट. अभी हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे भी लॉन्च हो रहे हैं. Instagram पे कितने सेल कर लेते हैं महीने के? Instagram पे 70%. तो रफली आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है? दिस मंथ वी हैव डन अभी तक 18 लाख. बहुत बैड. आज इन इसमें हमारा एवरेज ऑन टेनिस बैच इज 25% और सीजन बॉल बैच इज गोस फ्रॉम 35 to 45%. ओवर अभी पैसे बन रहे हैं हर महीने? यस हर महीने. हर कितना प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5-6 लाख पर मंथ नेट प्रॉफिट बिटवीन द टू ऑफ यू. हां यस. सारे खर्चे काट के? यस. वाओ यार कमाल है यार. पर दादाजी को आप पैसे देते हो? नहीं दे रहे हो दादाजी? सो वो आपका प्रॉफिट में से जाएगा और सस्ते में नेगोशिएट कर लेंगे आप दादाजी. इंडिया में मार्केट साइज टोटल बैट्स का कितना है? देयर इज नो एग्जैक्ट नंबर. डू यू हैव सम सेंस कि एक महीने में कितने अप्रोक्सीमेट बैट बिकते हैं? कश्मीर विलो बैट्स मोर देन 30 लाख लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मतलब एक महीने में अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख कश्मीर विलो बैट बिकते हैं. यस. एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा? उनका प्राइस पॉइंट अराउंड 1000 to 1500. 25 करोड़ हो गया महीने का माल कश्मीर विलो बैट्स जा रहा है. yes. अंदाजा. लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 300 करोड़ साल का कश्मीर विलो के बैट बाहर जा रहे हैं और उसमें आप अपनी जगह बना रहे हैं. आपको क्या लगता है आज से 3 साल आगे अगर हम देखें आप किस तेजी से ग्रो करोगे, कैसे करोगे और कितना बड़ा बिजनेस बनाओगे? अभी हम मंथ टू मंथ ग्रो कर रहे हैं. हमने अभी जब से हमने स्टार्ट किया कोई ऐसा महीना नहीं रहा जब हमने ग्रो नहीं किया. हमने अपनी सेल्स इंक्रीज नहीं किए. स्पेसिफिकली जब से हमने सीजन बॉल बैच लॉन्च किए हैं तो नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग टू क्लोज अराउंड 6 to 7 crores इन रेवेन्यू. तो डबल ट्रिपल हो रहा है. बाकी कंट्रीज में भी एक्सपेंड कर रहे हैं. हमें कतर में हमने ऑलरेडी सप्लाई किया है. लास्ट मंथ वी सोल्ड अराउंड 1000 बैट्स टू कतर के डीलरशिप क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी इंडियंस और ऐसे प्लेयर जो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे भी उनको इंग्लिश विलो बैट्स महंगे मिलते हैं. कैसे मिले आपको कतर में कस्टमर? कॉन्टैक्ट किया डीलर ने. इंस्टाग्राम के थ्रू? इंस्टाग्राम पे मेल किया तो बात की. विद इन 2 डेज ही फाइनलाइज द डील एंड सेंट द बैट्स. कितने बैट्स बेचे वहाँ? 1000. री ऑर्डर आया उसके बाद? नहीं अभी लास्ट मंथ ही था. ओके चलिए मैं आपको एक ऑफर देती हूँ क्योंकि जितना मुझे याद है 1500-2000 crore का मार्केट था बैट्स का और दो कंपनीज थी जो 200 crore प्लस है. तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 30 lakhs फॉर 10%, दैट इज 3 crore बैट्स. मेरा ऑफर छुड़ा लिया. चलो आपसे पहले छुड़ाया. Congratulations. You have an offer. And I'd be happy to. And it's a fair offer. Yeah. चलो I'll join Vinita in this offer if she wants क्योंकि at this young age यार हमको तो सर और पैर में फर्क क्या यही नहीं पता था. So 30 lakhs 10% अनुपम और मैं आपके साथ जुड़ना चाहेंगे. मैं तेरे को individual offer दूँ. मैं लूटना नहीं चाहता. ये लोग देख 30 lakh 10% मतलब लूट रहे हैं यार. तुम मतलब ये तुम्हें समझ रहे हो तुम बच्चे हो. तुम बच्चे नहीं हो समझ रहे हो. तुम दिखाओ उन्हें कि तुम्हें अकल है. ठीक है तो मैं तुम्हें देता हूँ 30 lakhs for 6%. बस आपको एक बात समझाता हूँ मैं. ये क्या है? शार्क टैंक है. आप यहाँ तक पहुँचे हो. जो ये बात भी करेगा कि आपको बच्चा समझा है वो आपकी बेइज्जती कर रहा है. हम तो बिल्कुल इज्जत से मानते हैं. पर फिर वैल्यूएशन क्यों इतनी गंदी थी? वैल्यूएशन का तरीका होता है. ये थोड़ी होता है कि उठ के बैठ गए 6 crore 2 crore बोल दिया फिर 50 crore बोल दिया. ऐसे थोड़ी होता है वैल्यूएशन. देखो पूरा टाइम मैथ्स सीखनी है या धंधा करना है? आपने किसको देखा है विदाउट मैथ्स बहुत बड़ा बिजनेस बनाए हुए? मैं देखो यहाँ दिल की डील दे रहा हूँ. वहाँ देखो डील ही डील करना पड़ेगा. 2 rupees ऊपर कर 2 rupees नीचे कर. देखो ये सब करना है बैठे. मेरा आपके लिए ऑफर है 30 lakh rupees. मेरा पहला इन्वेस्टमेंट भी लगभग 30 lakh rupees का था. जो बहुत बुरा लगा. बहुत सही. 4% ऑफ ओनरशिप को लेकर के मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा. वाओ 7.5 crore. और मेरा उसमें रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ. मेरा व्यू ये है कि जिस तेजी से ये ग्रो कर रहे हैं इस साल का 2.5 crore और अगले 2 साल में मेरा एस्पिरेशन है कि आप लोग जो है 8 to 10 crore का रेवेन्यू कर पाए. और मैं 2 साल फॉरवर्ड पे समझता हूँ कि आपका मल्टीपल काफी रीजनेबल हो जाएगा जिस वैल्यूएशन पे हम सोच रहे हैं. हमाद साथ मैं यहाँ डील्स नहीं जीतने बैठा. मैं इन्वेस्टमेंट्स करने बैठा. आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और आपके थ्रू सारे कश्मीर वासियों को सलाम. लेकिन 4% डज नॉट मेक सेंस एज एन इन्वेस्टमेंट आपके नंबर्स देख के. तो इस वजह से मैं आउट. चलो यार मैं आपको ऑफर देता हूँ जो आपने मांगा 30 lakh 3%. ओके मैं समराइज कर लेती हूँ आप डिसीजन देने के पहले. पीयूष की ऑफर है 30 lakh 3%. रितेश की ऑफर है 30 lakh 4%. मैं चेंज करना चाहूंगा तो मैं अपना ऑफर रिवाइज करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि 30 लाख का ऑफर है बट अभी 3% के. ओके सो रितेश की ऑफर है 30 lakh 3%. पीयूष की ऑफर है 30 lakh 3%. अमन अभी भी 30 lakh 6% पे है मुंह छुपाते हुए.
30 लाख 6% और मैं मुझे लग रहा है ये सब्जी मंडी है तो मैं अपनी ऑफर नहीं चेंज कर रही क्योंकि बहुत डीप जाएगा तो मेरी 30 लाख 10% मेरे को ओवरऑल लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं राइट देयर इज नो प्रॉब्लम अभी बहुत अर्ली स्टेज है बहुत ज्यादा डाइल्यूशन की भी जरूरत नहीं है इट विल रिक्वायर मनी आई ऑल्सो थिंक एटलीस्ट 50-60% बिजनेस एक्सपोर्ट से ही आएंगे राइट तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना ही पड़ेगा यहाँ पे आई कैन हेल्प यू प्रॉबेबली वही मुझे लग रहा है बाकी कोई प्रॉब्लम यू आर नॉट बर्निंग मनी थोड़ा सा ये जो ग्रैंडफादर का आप यूज कर रहे हैं इसका वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन सो दैट ही आल्सो गेट्स कॉम्पनसेटेड ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा चलिए आप सोच के आइए और वापस ठीक है ना जाइए थैंक यू सन नेगोशिएट करना है तो बता दीजिए क्या करें रितेश सब्जी मंडी रितेश यार तुम बिलियनर आदमी हो तुमसे कौन कम्पीट करेगा वाओ दैट वाज फास्ट देखो याद रखना धाकड़ा ऑफर आपको किसने दिया है तो अमन पीयूष क्या दोनों आप हमारे डील में आना चाहते हैं एक साथ 30 लाख 4% कर दे हम दोनों आज चलो डल कर देते हैं बात 30 लाख 4% या डन चलो डन वी विल शो दिस टू स्काई एंड अरे भाई भाई हार्दिक पांड्या केएल राहुल शिखर धवन श्रेयस अय्यर सब अपने मजा आएगा वी एनीवेज आई एम लव द फास्ट बीटल फाउंडर्स इट इज वन ऑफ आवर बेस्ट इन्वेस्टमेंट ओ वरीज अमन डिसाइड्स व्हिच बैट दीस प्लेयर्स प्ले विद आप फिगर मत करियो बिल्कुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुड लक थैंक यू